नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंगिका भाषा के सम्मान में अंग प्रदेश के लोगों ने बनाई विशाल मानव श्रृंखला, एकजुट होकर संविधान की सूची में शामिल कराने की कही बात। आरक्षण सहित कई मांगों को लेकर भारत बंद का भागलपुर में दिखा असर, बंद समर्थकों ने स्टेशन चौक को किया घंटों जाम। अलीगंज स्थित स्पिनिंग मिल से लोहा चोरी मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 6 साथी चोर गिरफ्तार। टीएमबीयू कॉपी बिक्री मामले में सोमवार को हो सकती है बड़ी कार्रवाई, अधिवक्ता ने राज्यपाल से कुलपति पर कार्रवाई करने की मांग। और पुलिस सुरक्षा सप्ताह को लेकर संडिस कंपाउंड में फैंसी क्रिकेट मैच का हुआ आयोजन, प्रशासन एकादश ने नागरिक एकादश को 23 रनों से किया पराजित। अब समाचार विस्तार से। अंग महाजनपद की लोक संस्कृति और पहचान से जुड़ी अंगिका भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रविवार को भागलपुर के संडिस कंपाउंड में अंग प्रदेश अंगिका महासभा की ओर से अंगिका मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। मानव श्रृंखला में भागलपुर समेत अंग क्षेत्र के विभिन्न जिले से आए अंगवासियों के साथ अंगिका भाषा प्रेमियों ने हिस्सा लिया और एक स्वर में अंगिका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग का पुरजोर समर्थन किया। मानव श्रृंखला के दौरान सभी भेदभाव भुलाकर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दलों के साथ ही साहित्यकारों एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोग, हजारों की संख्या में पुरुष, महिला, युवक, युवतियां और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अंगिका मानव श्रृंखला के उद्देश्य, संकल्प एवं महत्व पर अंगिका प्रेमियों से बात की हमारे संवाददाता रविशंकर सिन्हा ने। प्राचीन अंग महाजनपद की भाषा अंगिका के हक हकूक की लड़ाई के लिए और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में अंगिका मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है और इसको लेकर के भागलपुर समेत पूरे अंग क्षेत्र से यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं और हाथ से हाथ मिलाकर अंगिका के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सरकार तक ये मैसेज देने का एक प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में अंगिका को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया जाए और मैथिली और भोजपुरी और अन्य भाषाओं की तरह अंगिका को भी उसका वाजिब हक मिले और इसके कारण रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं और स्कूलों में इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की जा रही है। कई वैसे तो आंध्र प्रदेश के और अंगिका के जानने वाले लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और अपना हर क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सबसे पुरानी भाषा होने के बावजूद अंग महाजनपद की भाषा अंगिका आज भी उपेक्षित है और आज इसके लिए एक मानव श्रृंखला का आयोजन कर एक बड़ा संदेश और संकेत किया जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार इस पर पहल करे और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करे। इस संबंध में हम और भी यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अंगिका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उनके ओर से और क्या प्रयास किए जा सकते हैं। का मानव श्रृंखला जो संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल करावे करना सवाल पर आह्वान कर लो गलो चले आए, हर घर से हर दल से लोगन निकली के दिल के एक बना चुकलो छे और इतिहास गवाह छे। जब दल दल दिल रो रूप धारण करी ले छे, जब घर रो जनानी कोई क्रांति का शंखनाद करी दे छे, इतिहास बदले छे, देश रो हालात बदले छे। अंगिका जे छे से संविधान का 8वां अनुसूची में दर्ज हुआ, एक वास्ते ये मानव श्रृंखला बनैलो गलो छे। चूँकि अभी भारत सरकार के पास कोई भी भाषा के 8वां अनुसूची में दर्ज करे वास्ते कोई मापदंड तय नहीं छे। कई महापात्रा कमेटी और फलना कमेटी, कई कमेटी ने 2005 और 2000 ईस्वी में रिपोर्ट भी दे चुकल छे, लेकिन अभी तक मापदंड तय नहीं होलो छे। और जब बिना मापदंड के जब अन्य भाषा का 8वां अनुसूची में दर्ज कर लो जा रहा है तो अंगिका भी 8वां अनुसूची में दर्ज हुआ, यही वास्ते ये मानव श्रृंखला छे ताकि हमारा क्षेत्र का अंगिका भाषी लोग IPS, IPS, IAS इसनी पद पर जाए। हमारे घरों की मातृभाषा यही अंगिका छे आरो घरों में हम अपने अंगिके बोले छे। हमरा कहीं यदि भाषण दे के भी मौका मिले छे तो हम अंगिका में ही भाषण दे छे आ खास करी के हमरा महिला सनी कहे छे कि नहीं दीदी अंगिके में बोलो, तो हम तो अंगिके में बोले छे, मने घरों में अंगिके में बोले छे। जब दिल में आग रहते तो सफल होबे करते,
सबसे पहला छे ई रहना चाहिए कि कहना हो कहना चाहिए देखे जो कि भोजपुरी वाला जवाब भी मिलते अपना देते पछिया रहे जो भी छे भाषा सब भाषा सम्मान छे अंगिका छे देखो अंगिका में भाषा करते लेकिन हमारा सनी भी नहीं छे अंगिका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में जो मानव श्रृंखला बनाई गई विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई उस पर हमने बात की लोगों से और सभी ने एक स्वर में इस बात का समर्थन किया कि अंगिका को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिलना ही चाहिए क्योंकि इससे रोजगार के साथ साथ हमारी संस्कृति भी जुड़ी हुई है और इसमें हर वर्ग के युवा हो महिला हो छात्र हो या बुजुर्ग सभी इसको लेकर के एक मत दिखे और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस सैंडविच कंपाउंड में दलों के दलदल से बाहर निकल के हर दल हर संगठन हर सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन साहित्यिक संगठन के लोग एकजुट हुए और सभी ने एक स्वर में यह आवाज़ उठाई कि अंगिका को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना ही होगा। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर। आरक्षण विरोधी फैसले CAA, NRC और NPR के खिलाफ रविवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। वहीं भागलपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले स्टेशन चौक पर बैनर तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और यातायात को बाधित करने का प्रयास किया। इसके बाद ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने बंद समर्थकों को हड़काया और कानून नहीं तोड़ने की बात कही। इधर स्टेशन चौक पर जन अधिकार पार्टी, छात्र युवा संघर्ष समिति, भाकपा माले, आम आदमी पार्टी, AIMIM, जमीयत उलेमा हिंद, बहुजन स्टूडेंट यूनियन समेत कई संगठन से जुड़े लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रकट किया। बहुजन स्टूडेंट यूनियन के संरक्षक प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने कहा कि मोदी सरकार के शासन में किसानों की आत्महत्या की रफ्तार तेज हो गई है। वहीं रिंकू यादव, मौलाना खुर्शीद अनवर, मौलाना जफर मुस्तफा, बबलू खान, उदय और मनोज कृष्ण सहाय ने कहा कि तानाशाही सत्ता को देश की जनता उखाड़ फेंकने के लिए सड़क पर उतर चुकी है। अगर यह देश बनेगा जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि गरीब से गरीब तबके तक जब शिक्षा और विकास जाएगा तब यह देश मजबूत बनेगा। अभी उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी प्रमोशन में रिजर्वेशन के सवाल पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जो है नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक में वो राज्य सरकारों की मर्जी का मसला है। तो राज्य सरकारों की मर्जी का मसला आरक्षण नहीं है, ये हम यहाँ से कह रहे हैं। आरक्षण हमारा संवैधानिक हक, संविधान में आरक्षण की बात है और आरक्षण जो दलितों पिछड़ों आदिवासियों को मिलता है, ये आरक्षण दरअसल इस देश के अंदर जमहूरियत की बुनियाद मजबूत करने के लिए है, इस देश को नए सिरे से गढ़ने के लिए है। आरक्षण दलितों आदिवासियों पिछड़ों के लिए प्रतिनिधित्व का सवाल है। आरक्षण के जो आए दिन सरकार नई नई कानूनी बना रही है, संविधान पे चोट किया जा रहा है और NPR CAA के आर्मी जो देश को बेचा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार और उन्माद फैलाया जा रहा है, उसी सिलसिले में पूरे भारत को आज बंद किया गया है। इधर बंद समर्थकों ने भागलपुर स्टेशन चौक समेत कई स्थानों पर घंटों प्रदर्शन किया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। नागरिकता संशोधन कानून NPR और NRC को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं भीम आर्मी के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। भारत बंद का आह्वान जो किया गया था उसमें भागलपुर में बंदी का व्यापक असर देखा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के स्टेशन चौक पर और आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने और जो अदर संगठन है दूसरे संगठन के लोग हैं उनके कार्यकर्ताओं ने सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया है। हाथ में हाथ बांध कर लोग जो है तो स्टेशन चौक को यातायात को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है, दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल के जवान मौजूद है और आप देख सकते हैं चौक पर जो है तो जनसभा को जो बहुजन संगठन से जुड़े लोग हैं वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से भागलपुर में बाधित हो चुकी है। चारों तरफ स्टेशन चौक है, उसके चारों तरफ जो संगठन से जुड़े लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं, वो हाथों में बैनर तख्ती लेकर के, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आपको एक तस्वीर जरूर दिखाए कि बैनर तख्ती लेकर के किस तरीके से लोग NRC CAA और NRC का विरोध कर रहे हैं।
और स्टेशन चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है, यातायात को अवरुद्ध कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जो पुलिस प्रशासन है वो इस यातायात को किस तरह से सुचारू करवाती है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन सिद्दीकी, भागलपुर। भागलपुर पुलिस ने अलीगंज स्थित स्पिनिंग मिल से लोहा चोरी के मामले में 6 आरोपियों को दबोच लिया है। रविवार को बबरगंज थाना में सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी। सिटी डीएसपी ने बताया कि 11 फरवरी को पकड़े गए चोर वर्षों से बंद पड़े स्पिनिंग मिल से भारी मात्रा में लोहा चोरी कर ऑटो से ले जा रहा था। तभी पुलिस की गश्ती गाड़ी को देख सभी चोर ऑटो को छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद चोरों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। डीएसपी ने कहा कि टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने छापेमारी कर गोराडी भयगांव निवासी टेम्पो चालक अमित कुमार को दबोच लिया। इसके बाद पकड़े गए ऑटो चालक की निशानदेही पर कवाड़ी दुकानदार मोहम्मद रकीब, दिलीप पासवान, लल्लन गोस्वामी और रवि मंडल को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने कहा कि एक आरोपी अब तक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। स्थित इस्पान सिल्क मिल में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी, जो लोहा उसका है उसको अज्ञात चोर नशेड़ी लोग चुरा के ले जा रहे थे। इस संबंध में बबरगंज थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की गई थी पिछले दिनों, और एक टेम्पो जिसका नंबर था BR10GA8429 11/2/2020 को भारी मात्रा में लोहा चोरी किया गया, टेम्पो के साथ बरामद किया गया था पुलिस के द्वारा। उस समय चोर भागने में सफल रहे थे, उन्होंने स्थानीय जो लसुनिया बम है वो भी पटका था। इस संबंध में कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। आज अमित कुमार, ये अलीगंज गंगटी सुरेश शाह के मकान में किराएदार है, इसकी गिरफ्तारी की गई और इसके निशानदेही पर कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1.5 क्विंटल चोरी का लोहा मोहम्मद रकीब उर्फ रौकी मुजाहिदपुर की कबाड़ी दुकान से बरामद किया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बिना सेल एंड परचेज कमेटी की अनुमति और बगैर टेंडर के कॉपी बेचने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। कॉपी बिक्री मामले में सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई कर सकता है। दरअसल 19 फरवरी को सीनेट की वार्षिक बैठक में सीनेटर डॉ. मृत्युंजय सिंह गंगा ने कॉपी बिक्री का मामला सदन में उठाया था, जिसके बाद कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने कॉपी बिक्री को लेकर जानकारी नहीं होने की बात कही, जबकि प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद के मुताबिक कुलपति ने ही कॉपी बेचने का आदेश दिया था। इधर कॉपी बिक्री मामले की जांच करने शनिवार को रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ऑडिटोरियम और परीक्षा ब्लॉक गए और कर्मचारियों से ट्रक पर कॉपी लोड होने की जानकारी ली। वहीं TMBU कॉपी बिक्री मामले में कानून के जानकार अधिवक्ता सारिक मंजूर ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियम कानून को ताक पर रखते हुए कॉपी बेच दिया है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। अधिवक्ता सारिक मंजूर ने संविधान की धाराओं का हवाला देते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान से कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय पर कार्रवाई करने की मांग की। जो गवर्नर साहब को इस मामले पर प्राइमा फेसी तुरंत कॉग्निजेंस लेकर के जो है वाइस चांसलर पर जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, साथ ही साथ उन पर क्रिमिनल ऑफेंस मेक आउट होता है। जो वीडियो फुटेज है सिर्फ TV के पास, उसको देखने से एकदम क्लियर है कि वो इन्वॉल्व है, और ये इसलिए भी इन्वॉल्व है कि 2015 की कॉपी को बेचा गया है, जो कि लॉ के एकदम खिलाफ है। इसलिए कि अगर 2015 की कॉपी बेची गई है तो फिर स्टूडेंट उस पर क्लेम कैसे करेंगे, और जहां तक ये ऑफेंस का मामला है उन पर 409, 381, 420 और 120B ऑफ IPC का मामला बनता है, और इस पर जो है जल्द अज जल्द जो है गवर्नर साहब को प्राइमा फेसी कॉग्निजेंस लेकर के मामला को देखना होगा। बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर रविवार को सैंडिस कंपाउंड मैदान में खेलो बिहार पुलिस के साथ कार्यक्रम के बैनर तले क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन एकादश और नागरिक एकादश के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचित रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पुलिस प्रशासन की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में 6 विकेट खोकर 112 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें कप्तान SSP आशीष भारती ने 3 चौके की मदद से 19 रन बनाए, जबकि इंद्रजीत ने 11 रन, सुनील ने 4 रन, बावर 30 रन और कृष्ण कन्हैया ने 11 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी नागरिक एकादश की टीम महज 89 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। मैच में विजय घोषित हुए पुलिस एकादश की टीम को मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सलाउद्दीन हसन ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
जबकि मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार नागरिक एकादश टीम के शैलेंद्र मणि संदेश को मिला। मंच का संचालन जिला क्रिकेट संघ के सचिव डॉक्टर आनंद मिश्रा ने किया। वहीं अंपायर की भूमिका गुड्डू पांडे एवं धर्मजय कुमार ने निभाई। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र विक्रमशिला स्थित एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने एक देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं पुलिस के आने की भनक लगते ही आरोपी युवक घर से फरार हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि विक्रमशिला कॉलोनी स्थित अनुज कुमार के घर में पिछले कई महीने से रणवीर उर्फ प्रशांत कुमार नामक युवक रह रहा था। रविवार को ततारपुर पुलिस को प्रशांत के कमरे में अवैध हथियार रहने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घर में छापेमारी कर हथियार को बरामद किया। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने कहा कि फरार आरोपी खगड़िया जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत नवटोलिया गांव का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। आधार पर ततारपुर थाना अध्यक्ष ने विक्रमशिला कॉलोनी में छापेमारी किया और प्रशांत उर्फ रणवीर, पिता कपिलदेव, शाकिम डुमरिया बुजुर्ग परवत्ता, वर्तमान में अनुज कुमार के विक्रमशिला कॉलोनी स्थित मकान में किराएदार के रूप में थे। एक देसी पिस्तौल और 7 जिंदा गोली बरामद की गई है। वो भागने में सफल रहे तो नामजद प्राथमिकी पुलिस थानाध्यक्ष अपने बयान पर दर्ज करेंगे। गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत 83 गांव में रविवार को भोजपुरी और अंगिका के चर्चित गायक एवं नायक सुनील छैला बिहारी अपने एल्बम की गाने की शूटिंग करने पहुंचे। शूटिंग की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ सुनील छैला बिहारी को देखने उमड़ पड़ी। वहीं सुनील छैला बिहारी ने बताया कि एल्बम की सारी गीत होली पर आधारित है, जो दर्शक को होली के मौके पर काफी पसंद आएगी। मौके पर डायरेक्टर रुपेश कुमार, एक्ट्रेस कुमारी सौम्या, शंभू कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। नौगछिया के युवा के लिए या सब जगह के युवा के लिए कहना चाहूंगा, नौगछिया के लिए तो कहना ही चाहूंगा क्योंकि नौगछिया में जी, युवाओं से कहना है कि आप जो भी काम करें उसको पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपके वर्किंग स्टाइल में, काम करने के तरीके में ईमानदारी होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, आप एक दिन उच्च शिखर को जरूर प्राप्त करेंगे। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति के बैनर तले रविवार को शिक्षकों ने भागलपुर में जमकर प्रदर्शन किया। पटना में शिक्षकों पर हुए हमले और सुल्तानगंज एवं शाहकुंड के 4 शिक्षकों के निलंबन के विरोध में आंदोलनकारी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका और आंदोलन जारी रखने की बात कही। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तानाशाही रवैया अपनाकर शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में चल रहे हड़ताल के क्रम में शिक्षकों के ऊपर अन्याय, शिक्षकों के ऊपर लगातार प्रतिकार, शिक्षकों के ऊपर जबरदस्ती अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ आज संपूर्ण बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार को बिहार का 4.25 लाख शिक्षक आगाह करना चाहते हैं। नीतीश जी, अभी भी आप होश में आ जाइए, शिक्षा मंत्री अभी भी आप होश में आ जाइए और हम शिक्षकों की वाजिब मांगों को आप मान करके शिक्षक और शिक्षा हित में अविलंब वार्ता करके हड़ताल को समाप्त करवाइए। आदिवासियों का मुख्य पर्व सोहराय को लेकर क्राइस्ट चर्च स्कूल भागलपुर में रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोहराय पर्व भाई एवं बहन के प्रेम का प्रतीक है, साथ ही यह पर्व प्रकृति एवं पशुओं के प्रति श्रद्धा का भी संदेश देता है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूली बच्चों ने स्वागत गान गाकर किया।
वहीं कार्यक्रम में युवतियों ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य कर सबका मन मोह लिया। मौके पर अगस्टिन सोरेन, लुकास हंसदा, फादर वर्गीज पनघट, डॉक्टर रूबी हेम्ब्रम, श्री सुबोध मरांडी सहित स्कूल के कई छात्र छात्रा मौजूद थे। भागलपुर के आनंदराम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में क्षेत्रीय अटल टिंकरिंग लैब कार्यशाला का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यशाला में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के राष्ट्रीय मंत्री शिव कुमार, राष्ट्रीय सहमंत्री कमल किशोर सिन्हा, संगठन मंत्री खयाली राम, क्षेत्रीय सचिव दिलीप कुमार, दिल्ली प्रदेश सचिव भूपेंद्र कुमार घोष, विद्यालय के प्राचार्य आनंद कुमार सिन्हा एवं उप प्राचार्य रविशंकर पांडे ने मार्गदर्शन किया। इस दौरान बिहार झारखंड से आए 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई, जिससे बच्चों में नवाचार एवं विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े और छात्र शोध कार्यों से जुड़ सकें। राष्ट्रीय मंत्री ने कहा कि इस लैब के माध्यम से विद्यालय के बच्चों में प्रारंभ से ही वैज्ञानिक सोच विकसित होगी, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का सपना पूरा हो सकेगा। इस मौके पर शिशिर कुमार, पंकज उपाध्याय, संजीत पाठक समेत भारतीय शिक्षा समिति बिहार, विकास विद्या समिति झारखंड समेत विभिन्न विद्यालयों की प्रबंधकारिणी एवं समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। बांका के बौसी प्रखंड स्थित अद्वैत मिशन सिद्धाम परिसर में संस्था के संस्थापक आनंद शंकर माधवन के जन्मदिन को लेकर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए कवियों ने देशभक्ति एवं प्रेम रस कविता का पाठ से मौजूद लोगों को गुदगुदाने पर मजबूर कर दिया। साथ ही कवियों ने देश की वर्तमान राजनीति पर भी कविता के माध्यम से व्यंग्य किया। कवि पवन बांके बिहारी ने कविता पाठ के माध्यम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आसाराम बापू की जमकर खिंचाई की। इससे पूर्व संस्थान के विजय कुमार और अश्वनी झा द्वारा सभी कवियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन डॉक्टर सुनील साहिल ने किया। मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर साकिब टॉफिक, उषा देवी, चंद्रशेखर शर्मा, वीरेंद्र यादव सहित कई लोग मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंगिका भाषा के सम्मान में अंग प्रदेश के लोगों ने बनाई विशाल मानव श्रृंखला, एकजुट होकर संविधान की सूची में शामिल कराने की कही बात। आरक्षण सहित कई मांगों को लेकर भारत बंद का भागलपुर में दिखा असर, बंद समर्थकों ने स्टेशन चौक को किया घंटों जाम। अलीगंज स्थित स्पिनिंग मिल से लोहा चोरी मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 6 सातिर चोर गिरफ्तार। पीएमयू कॉपी बिक्री मामले में सोमवार को हो सकती है बड़ी कार्रवाई, अधिवक्ता ने राज्यपाल से कुलपति पर कार्रवाई करने की मांग। और पुलिस सुरक्षा सप्ताह को लेकर सैंडिस कंपाउंड में फैंसी क्रिकेट मैच का हुआ आयोजन, प्रशासन एकादश ने नागरिक एकादश को 23 रनों से किया पराजित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।